आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं, उस कंट्री का नाम है अफगानिस्तान। सोवियत सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट के देशों के बीच स्थित में एक देश अफगानिस्तान। हालांकि इसकी समुद्र तक कोई पहुंच नहीं है, लेकिन इसका स्थान उन युद्धों, पलायन और व्यापार के केंद्रित था जो आधुनिक समय तक आंतरिक एशिया पर हावी थे। यह पूर्व और दक्षिण में पाकिस्तान, उत्तर में यूएसएसआर, पश्चिम में ईरान और उत्तर पूर्व में चीन। यूएसएसआर ने मार्क्सवादी सरकार की ओर से 1979 में देश पर कब्जा कर लिया था, जिससे तब से अफगानिस्तान गृह युद्ध के स्थिति में है। के प्रारंभ में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और 14वीं शताब्दी में तैमूर ने अपने साम्राज्य में शामिल किया। 16वीं शताब्दी में शुरुआत में तैमूर के वंशज बाबर, जो मुगलों से एक थे, काबुल में अपने आधार से भारत में एक साम्राज्य की स्थापना की। 16वीं और 17वीं शताब्दी में दौरान में कुछ हिस्से मुगलों ने निष्ठा रखते थे। 1747 में पठानों ने फारसी जुए में फेंक दिया। एक आदिवासी परिसंघ के नेता अहमद शाह सरोजी के तहत अपने स्वयं के राजवंश की स्थापना की। पठान शक्ति को दोस्त मोहम्मद खान द्वारा समेकित किया गया था, जिससे 19वीं शताब्दी में शुरुआत में एक दूसरे के राजवंश की स्थापना की गई थी। हालांकि पूरे देश के प्रभाव शारीरिक नियंत्रण के सबसे पहले दोस्त अब्दुल रहमान के पोते अमानुल्लाह शाह अफगान मामले में ब्रिटिश भागीदार को समाप्त कर दिया। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक आधुनिकरण के महत्वाकांक्षी प्रयासों से एक श्रृंखला भी शुरू की, लेकिन आदिवासी विरोध ने उन्हें देश से भागने पर मजबूर कर दिया। जहीर शाह ने 1933 से लेकर 1973 तक अफगानिस्तान पर शासन किया। 1964 में उन्होंने मुक्त चुनाव और आंशिक संसदीय लोकतंत्र, उदारवादी इस्लामी संविधान सभापद पर गंभीर प्रयास किया। जब प्रयोग शुरू हुआ तो राजा के चचेरे भाई मोहम्मद दाऊद खान ने लगभग रक्तहीन तत्तापलट पर सत्ता पर कब्जा कर लिया। दाऊद अप्रैल 1900 मार्क्सवादी तख्तापलट में मारा गया। इससे अर्धगुप्त पीडीपीए को नूर मोहम्मद की तारीन के अधीन अचानक सत्ता में लिया। इससे क्रूर तरीकों से शिक्षा और भूमि में परिवार कानूनी व्यवहारिक रूप से कट्टरपंथी सुधारे और ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय प्रतिक्रिया को जन्म दिया। बढ़ते सोवियत समर्थन ने 1979 के अंत में सामान्य विद्रोह से शासन को खतरा बढ़ गया। मास्को के साथ उसका संबंध सितंबर में कमजोर हो गया। तारिकी को उसके लेफ्टिनेंट की हफीजुल्लाह अमीन द्वारा हटा दिया गया था। सरकार ने दिसंबर 1979 में सैन्य रूप से हस्तक्षेप किया, अमीन को मार दिया गया और उसकी जगह बाबरक कर्नल ले ली, जो तारिकी और अमीन के लंबे समय से मार्क्सवादी प्रतिद्वंदी थे। कर्नल की सरकार ने सोवियत वायु और भूमि सेना और कई हजारों सोवियत नागरिक सलाहकारों की मदद से देश पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। सोवियत हस्तक्षेप के बाद लोकप्रिय विरोध एक राष्ट्रीय प्रतिविरोध आंदोलन बन गया, जो पूरे अफगानिस्तान में सक्रिय था। पाकिस्तान में स्थित निवृत्ति दावेदारों के बीच आंदोलन राजनीतिक रूप से विभाजित रहा है। सक्रिय रूप से प्रतिरोध को देश से भीतर गुरिल्ला युद्ध करने वाले क्षेत्रीय और स्थानीय रूप से संगठित समूहों से विभाजित किया। नाजिबुल्लाह को नियुक्त कर दिया। फिलहाल अफगानिस्तान 2022 में तालिबान के हाथ में है। अफगानिस्तान में बीहड पहाड़ों और शुष्क मैदानों के प्रभुत्व है। इससे मध्य और पूर्व क्षेत्र हिंदू कुश पर केंद्रित उच्च पर्वत श्रृंखलाओं आच्छादित है। प्रणाली हिमालय से निकलती है, चरण पूर्वोत्तर के कई चोटियों में 6000 मीटर से अधिक तक पहुंचती है। बंजर मैदान उत्तर पश्चिम और दक्षिण में पहाड़ की कोर को झुकाती है। दक्षिण पश्चिम में मैदान रेगिस्तान बन जाते हैं। क्लाइमेट अफगानिस्तान से शुष्क महाद्वीपीय जलवायु दिन, मौसम और ऊंचाई से अनुसार तापमान में तीव्र अंतर पैदा करती है। सर्दियां हिमपात लाती है और उससे बाद वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। ग्रीष्मकालीन गर्म और सूक्ष्म होते हैं, जलप्रपात में माध्यम की सूक्ष्म भी होते हैं। औसत वार्षिक वर्षा लगभग 180 mm है और देश में कहीं भी शायद 380 mm से अधिक है। ड्रेनेज
अफगानिस्तान की प्रमुख आंतरिक नदियाँ मध्य पर्वतीय कोर से निकलती हैं और आमतौर पर चार दिशाओं में बाहर बहती हैं। पाकिस्तान में सिंधु में शामिल होने के लिए पूर्व और बहने वाली केवल काबुल नदी समुद्र तक पहुंच जाती है। सबसे बड़ा हेलमंड है जो दक्षिण पश्चिम में कंधार से ईरान के सीमा पर सिस्तान के दलदल तक चल जाता है। हरी रोड पश्चिम में हेरात से बहती है और कुंजोद उत्तर से एएमयू दरिया अस्कस से मिलती है जो उत्तरी सीमा बनाती है। पतली मिट्टी और जलवायु प्राकृतिक जीवन को सीमित रखते हैं। सबसे मजबूत वृक्षों का आवरण पूर्व की ओर केंद्रित है। पिस्ता उत्तर और पश्चिम की पहाड़ियों में जंगली रूप से उगता है। पतली घास संक्षेप में पहाड़ी खाना बोक्षक झुंड वसंत गर्मिया में वन्य जीव के भेड़िया लकड़बग्गा लोमड़ी तेंदुआ चिराल भालू आइसबैग्स और जंगली भेड़ शामिल है। रिसोर्सेस अधूरे दोहन से अफगानिस्तान के संसाधन काफ़ी संभावित विकास के पेशकश करते हैं। आयरन क्रोम कॉपर कोयला ऐसे कई साइटों के प्रमुख भंडार हैं और हाल में सर्वे के पता चला है कि देश उत्तर पूर्व की प्राचीन खानों के लिए पाया गया है। इमारती लकड़ी फसल पूर्वी पहाड़ों तक सीमित है। नदियों के प्रभाव में काफ़ी पनबिल क्षमता है। समाज समग्र प्राथमिक परिवार गांव और आदिवासी क्षेत्रीय समुदाय पठान प्रमुख जातीय और भाषाएं समुदाय बनाते हैं जो शायद आबादी के लिए जिम्मेदार है। जनजातीय रूप से उन्होंने 19वें देश पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। उनमें से कई क्षेत्रों में पर्शियन बोलने वाले ताजिक दूसरे देश से सबसे बड़े समुदाय है जिन्होंने आबादी के लिए एक तिहाई है। कई छोटे समुदाय हैं जिसमें से महत्वपूर्ण नूरिस्तानी पूर्व में ऊंचे पहाड़ और दक्षिण में रेगिस्तान का बलूच। जनसंख्या के आंकड़े सटीक और अधूरे हैं। जनगणना कभी 1980 से पहले शायद 15 मिलियन। अधिकांश किसानों ने गांव के सबसे अच्छे पानी वाले घाटियों में बसाया जहां प्रमुख नदियां मैदानों इलाकों में काटी। 20% आबादी के रूप में खानाबदोश पशुपालन के विभिन्न रूप में अभ्यास किया जाता है। सोवियत कब्जे के बाद देश में बाधित करने वाले युद्ध से अधिक अफगानों के मजबूर कर दिया जिनमें ज़्यादातर ईरानी थे। सबसे अच्छी कृषि भूमि बड़े इलाके व्यवस्थित रूप से उजाड़ दिया और 2.5 लाख से ज़्यादा अफगानी मारे गए। 1983 तक प्रमुख ग्रामीण इलाके में लड़ाई के कारण आंतरिक शरणार्थियों में भारी पड़ गया। अनुमान लगाया गया है कि काबुल की राजधानी हाल ही दोगुनी हो गई है। 1950 और 1973 के बीच शिक्षा में महान विस्तार हुआ। आधे से अधिक स्कूली बच्चों तक प्राथमिक विद्यालयों की पहुंच गई और माध्यमिक विद्यालय लगभग सभी प्रांतीय शहरों में काम कर रहे थे। महिला शिक्षा की सुविधाएं पुरुषों की तुलना से बहुत पीछे थी लेकिन तेजी से बढ़ रही है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय काबुल ने पेशेवर वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में तेजी से परिवृत्त हो गया है। इससे प्रगति के बावजूद जो काफ़ी हद तक कई देशों के शायद असंभव हुई है। अफगानिस्तान की आबादी के अनुसार 60% तक अभी भी निरक्षर। आर्ट अफगानिस्तान बौद्ध इस्लामी संस्कृतियाँ कई पुरातत्व स्थल पर महान संभावित महत्व की खुदाई के इंतजार कर रहे हैं। बामियान और हड्डा में बौद्ध मठों गजनवी ने महल परिसर गजनी और ग्रीक शहर के खान उम के स्थापत्य अवशेष की खुदाई की गई है। 16वीं शताब्दी में फारसी संस्कृति का प्रमुख केंद्र था विशेष रूप में सुंदर लघु चित्रकला शताब्दी में। तिमुरिड्स के संरक्षण के प्रसिद्ध भी थी कालीन प्राथमिक कला बनी हुई है विशेष रूप से उत्तर पश्चिम के तुर्कमेन में। आर्थिक परिवर्तन की शुरुआत 20वीं शताब्दी में सतही प्रयासों के साथ व्यापार का विस्तार करने निर्माण करने परिवहन में सुधार करने और अधिक सरकारी राजस्व उत्पन्न करने के साथ हुई। 1930 के दशक में मुख्य रूप से भारत से विनिर्मित आयात के अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था अनिवार्य रूप से कृषि प्रधान है। आजीविका अधिक आबादी के सीधे खेती से निर्भर है। गेहूं प्राथमिक ज्यादातर
सिंचित सर्दियों की फसल उगाई जाती है। हाल में ही कपास एक महत्वपूर्ण नकदी फसल बन गई है। फल विशेष रूप से अंगूर और खरबूजे मौसमी रूप से महत्वपूर्ण न होते हैं। उनकी प्रसिद्धि गुणवत्ता के उपमहाद्वीप और USSR के प्रमुख निर्यात है। काराकुल में मेमने की खाल और फर के महत्वपूर्ण निर्यात है। हेलमंड और रूट घाटियों और जलालाबाद के क्षेत्र में बड़ी बहुउद्देश्यीय सिंचाई और पुनर्वास योजना विकास किया।